सो है हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक। और गाइस, होप यू गाइस आर गुड टुडे। तो आज हम लोग देखेंगे एमएसआई ऐप प्लेयर में फ्री फायर कैसे चलता है, एंड ये लोग जैसे बताया है कि इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही हाई कर दिया इन लोगों ने, एंड इसमें गेम बहुत ही स्मूथ एंड ये हो सब कुछ। देखते हैं गाइस ट्राई करके। मैं ये लोग इधर दिखा रहा है इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है। आपके पास हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर है तो आपको मिल सकता है 240 FPS। एंड आपके पास एमएसआई का लैपटॉप है या एमएसआई का मदरबोर्ड है तो आपको परफॉर्मेंस मिलेगा ज़्यादा, 6x परफॉर्मेंस। तो देखते हैं गाइस, आप लोग इधर से डाउनलोड कर लेना इसको। मैंने ऑलरेडी कर लिया डाउनलोड एंड फ्री फायर इंस्टॉल कर लिया। देखते कैसे चलते। इसका जो ओपनिंग है सही है, एंड मेरा जो सेटिंग्स मैंने इधर कर लिया, रैम रखा हाई एंड मेरा कोर रखा 2। मेरे पास 4 कोर है, रख देता है 4 कोर की अवेजिंग वन ओवरऑल सिस्टम वन, तो इसको 2 कोर ही रखते हैं गाइस। एंड उसके बाद नीचे परफॉर्मेंस ओपन जीएल, एंड मैंने इधर हाई फ्रेम रेट ऑन कर दिया, डिस्प्ले FPS ऑन कर दिया, एंड इधर रेजोल्यूशन रखा 1080 एंड इधर जो परफॉर्मेंस है उसको जैसे वैसे ही रहने दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। इधर डिवाइस भी RG2 कर दिया बस, एंड बाकी सब सही है। अभी फ्री फायर ओपन करके देखते हैं गाइस। सर्वर का थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इधर आ रहा है 26 FPS, कोई ना, गेम में देखते हैं कितना आ रहा है FPS। चलो गाइस हम लोग लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं इसको। तो हम लोग इसको लॉगिन करके ओपन कर लिया। अभी हम लोग चलते हैं ट्रेनिंग में जाके देखते कितना स्पीड दे रही है। तो करते फुल स्क्रीन एंड FPS आपको नीचे दिख रहा है इधर कितना आ रहा है। गेम में जाने के बाद देखना कितना FPS ये लोग दे रहा है। ये थोड़ा बढ़ा लिया सेटिंग में जाके, एंड इधर मेरे को 60 FPS आ रहा है। अभी कितना हो गए, 20 हो गए थे, तो देख ही सकते हो गाइस। ये एजेंसी रख लेता एंड इधर एक पिस्टल भी रख लेता। चलो अभी गेम में जंप करते हैं लॉबी में। तो गाइस इधर स्मूथ चल रहा है बट FPS आप लोग देखो। इसमें अटक रहा है ये बंदे किधर है। चलो इसने मार दिया, हेडशॉट नहीं लग रहा है। दोनों मिलकर मेरे को ही मार रहे हैं। ये प्रॉब्लम आ रहा है क्यों।
इसका की मैपिंग आपको करना है थोड़ा सा, कि की मैपिंग उतना अच्छा नहीं है, आपको एकदम से नहीं मिलेगा, तो करना होगा इसको। एंड बाकी सब थोड़ा लैगी है गाइस, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लैगी है, ये दिखा रहा है बीच बीच पे मेरे को, ये क्यों आ रहा है, तो सेटिंग से उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद से नहीं आएगा आई थिंक। देखते हैं कीबोर्ड में चलते और फिर एडवांस सेटिंग्स में जाते हैं, इसको इधर अन लगाते हैं, इसको करते हैं सेव। अभी भी वही प्रॉब्लम आ रहा है, ये इसका अगली से है कि इसमें बाकी आप लोग ट्राई करके देखना कैसे चल रहा है आपको पीसी में, मेरे को इतना खास नहीं लगा। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको छोड़ो, आप लोग इसको क्वाइट करो, आप लोग यूज़ करो ELD प्लेयर 4, डोंट यूज़ ELD प्लेयर 9 क्योंकि उसमें भी फ्रेम रेट का प्रॉब्लम है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ELD प्लेयर 4 को यूज़ करो क्योंकि ये बहुत ही सही चल रहा है, मैंने बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ। मेरा जो सेटिंग्स है 1080p CPU 4 कोर रैम है 8GB क्योंकि मेरे पास 16GB रैम है एंड मॉडल मैंने Asus वही रखा 2Gen RG2। एंड उसके बाद गेम सेटिंग में इधर हाई फ्रेम रेट इनेबल कर दिया एंड इनेबल HDR। एंड अब लोग देखो इधर इसका जो परफॉर्मेंस एंड बाकी सब कुछ, मैंने इधर डिस्प्ले FPS भी ऑन कर देता, इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इसका जो व्यूज आपको गेम में जो बहुत ही सही दिखता है गेम में। बाकी जो प्लेयर है मेमो ब्लू स्ट्रैक एमएस या प्लेयर उसमें इतना अच्छा नहीं दिखता है, ELD प्लेयर में बहुत ही अच्छा दिखता है गेम। ये देखो हेलो गाइस, इतना सही दिख रहा है कैरेक्टर, देखो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है कैरेक्टर। एंड इधर जाके ट्रेनिंग में चलते हैं, जाके ये पीस भी चेक कर देते हैं गाइस, इधर आपको 90 तक FPS आता है एंड FPS ड्रॉप होता है बट इतना ये नहीं पड़ता गेम में आपको। भाई हो गया मेरा लैग, वेट ए सेकंड गाइस। चलो आ गए हम लोग गाइस एंड इधर देख सकते हो गाइस कितना फ्रेम आ रहा है ऊपर, 50 से नीचे नहीं जा रहा। एंड इसमें हेडशॉट बहुत ही सही लगता है गाइस, देखो कितना हेडशॉट लग रहा है। एंड इसका जो लुक से बहुत ही सही है गाइस। एंड मेरे गाइस इसमें तो बहुत ही बढ़िया चलता है एंड लोग देख ही लिया बहुत सही चलता है इसमें। एंड मैं बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं जो लाइक करता हूँ इस प्लेयर को यूज़ करता हूँ। एंड इधर जो डिस्प्ले सेटिंग है मेरा सब कुछ हाई है एंड अभी ट्राई करके देखना है ELD प्लेयर 4 को, बहुत ही बढ़िया है। एंड मेरे को बताना कि कौन सा प्लेयर अच्छा है, मेरे को लगता है गाइस आप लोग ELD प्लेयर यूज़ करो, ELD प्लेयर 4 बहुत ही बढ़िया चलता है, इसमें आपका CPU जैसा भी है नॉर्मल है फिर भी आपको चलेगा, बहुत ही बढ़िया चलेगा, ट्राई करके देखना है एंड उसके बाद बताना गाइस।